वेलकम टू सेशन 3। आज हम सीखने वाले हैं कुछ साइन कन्वेंशंस जो हमें थ्रू आउट द चैप्टर फॉलो करने हैं, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, बिकॉज अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती आप लोगों ने कर दी, प्लस का माइनस हो गया, देन द आंसर वुड बी डिफरेंट। सो लेट अस से वी आर हैविंग वन मिरर, एंड फॉर दैट मिरर हम यहां पर उसको बना देंगे कॉनकेव। अगर ये कॉनकेव मिरर बना, इन दैट केस थिंक अबाउट द रे जो यहां से ऐसे आ रहा है। सो दिस डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा है उसके अंदर हम वही करते हैं कि जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाया उससे अपोजिट वाली कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। यस, सो जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे यहां पर इंसिडेंट होने के बाद जब रिटर्न बैक हो रहा है, सो इन दैट केस इट विल बी नेगेटिव डायरेक्शन फॉर द रिफ्लेक्टेड रे। सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अनदर थिंग इज, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, लेट अस से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है, द ऑब्जेक्ट इज ए बी। सो इन दैट केस ये जो हाइट ए टू बी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अपर पार्ट में है, एंड जस्ट बिकॉज इट इज इन द अपर पार्ट इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। सो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के भाग में जो कुछ भी होगा दैट हाइट विल बी पॉजिटिव। एंड अगर हम उसके नीचे की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ, सो इन दैट केस दिस पार्ट, लेट मी से ए पॉइंट जो है, सो इट इज ए डैश एंड बी डैश, सो दिस ए डैश टू बी डैश इट विल बी टेकन in the down part, so it will be negative. So that's how we are going to follow the sign convention throughout the chapter. So that's how it happens. Incident light jo hamare paas hai, so this will be positive. Yahan par ye wapas aa rahi hai, so this will be negative. Ye wala niche ki direction mein hai, so this will be negative. And this is in the upward direction, so it will be positive. That's how it goes. सो इट्स अ नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली, बट यू हैव टू रिमेंबर वन मोर थिंग, कि अगर हम यही सेम चीज अगर किसी अपोजिट मिरर के लिए ली, इन दैट केस अब क्या होगा, यहां से आने वाला जो रे है, सो दिस विल बी पॉजिटिव, और रिफ्लेक्ट होके जो वापस जाएगा दैट विल बी नेगेटिव। बट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाली जो बात है, दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, वो वही रहेगी। सो दैट इज हाउ साइन कन्वेंशन throughout the ray optics will work, and you have to remember that. Last session में हमने ये diagram देखा था. In this diagram, this will be my focal length, जो P से लेके F तक का होगा, and this will be my radius of curvature, जो P से लेके C तक का होगा. So focal length and radius of curvature, अगर हमें उस distances की बात करनी हो, so that distance will be negative, both of them. So focal length and radius of curvature, this both of them are negative. Why? Because हमारे पास जो incident ray है वो इस direction में है, that will be positive. और यहां से pole से, जैसे कि हमने last time बताया था, the distances will be measured from pole. So this direction will be negative. Pole से F, pole से C, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, negative में. So for the concave mirror, your focal length and radius of curvature, both of them will be negative. Whereas, यहां पर अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, और रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे गया, सो दिस विल बी योर नेगेटिव डायरेक्शन। इन दिस केस हम बता सकते हैं दैट फोकल लेंथ जो पी से एफ तक, साथ में बोलते रहना आप लोग, और यहां पर पी से लेके सी तक, ये क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर
ये दोनों की दोनों चीजें वो क्या हो जाएगी इस केस में, पॉजिटिव. सो हम यहां पर लिख सकते हैं दैट फॉर द कॉन्वेक्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों हो जाएंगे क्या, पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो. और यहां पर कॉनकेव के केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेटिव दैट इज लेस देन जीरो. एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें आज यहां पर सीखनी है और वो ये है कि देखिए यहां पर जो हमारे पास रेज आ रहे हैं वो सारे के सारे रेज यहां पर इन एक्चुअल यहां पर मिल रहे हैं. सो अगर ये सारे रेज यहां पर मिल रहे हैं दैट मीन्स दिस फोकस इज रियल फोकस, क्योंकि जहां पर ऑब्जेक्ट में से आने वाले रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इन एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगे, सो दैट एक्चुअल इंटरसेक्शन इट विल बी योर रियल इमेज. एंड अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस केस, इन दिस केस यहां पर जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. देखो यहां से ये जो रे आया वो रे यहां से आके वो सीधा गया इस डायरेक्शन में. अब वो जो रे गया है तो वहां पर मिरर के पीछे तो वो गया नहीं है, तो यहां पर हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ा एंड दिस एक्सटेंशन इट विल टेल यू कि वहां पर इन एक्चुअल मिल नहीं रहे हैं. और अगर इन एक्चुअल नहीं मिले इन दैट केस वो हो जाएगा तुम्हारा वर्चुअल इमेज. रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम आगे भी देखेंगे. ओके सो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी रिवाइज की वो कौन सी होगी कि ऑल द डिस्टेंसेज विल बी मेजर फ्रॉम पी एंड प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर हम कोई भी चीज की बात कर रहे हैं सो ऑल द डिस्टेंस टू बी मेजर फ्रॉम पप्पा, सो दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो फॉर अ न्यू क्वेश्चन और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट फॉर कॉनकेव मिरर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. अब देखो ये तो यहां पर कॉनकेव के लिए पूछा है स्पेसिफिकली, बट द सेम थिंग कैन बी आस्क फॉर द कॉन्वेक्स एज वेल. और उस दोनों चीजों को हम देखेंगे एक साथ. सो सबसे पहले क्या होगा, डायग्राम. सो दिस इज द री डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. अगर हमारे पास डिस्टेंस कोई इनफाइनाइट है इन दैट केस ये वहां से जो आने वाले रेज होंगे वो सारे के सारे रेज जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. लेट अस से हमने उसको ऐसे अरेंज किया है एंड दिस रेज आर गोइंग टू कम बैक बाय रिफ्लेक्शन. अब देखो यहां पर दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फीयर. और ये जो पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर का स्फीयर है उस पॉइंट ऑफ से यहां पर सी पॉइंट जो हमारा है उसको अगर हम कनेक्ट करेंगे देन एज वी हैव सीन अर्लियर ऑल्सो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल बिकॉज दिस इज द टेंजेंट और उस टेंजेंट के ऊपर ये 90 डिग्री बनाएगा. दिस विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सी टू एम एंड द सेम वे सी टू पी. सो द रे इज गोइंग टू फॉर्म एन एंगल थीटा ओवर हियर एंड द सेम वे वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर वो यहां से आएगा वापस. वेल कमिंग बैक इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एफ दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल दैट वेल ड्रॉइंग द रे डायग्राम एरोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एरो विल टेल यू वेर इज द ऑब्जेक्ट एंड वेर इज द इमेज. सो नो एरोज नो मार्क्स, रिमेंबर दैट. वॉट, नो एरोज नो मार्क्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है. सो इफ आई टॉक अबाउट इफ आई से दिस दिस इज पॉइंट ए. सो फ्रॉम दिस पॉइंट ए ए एम एंड सी ये जो ए एम सी बनेगा उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा हो जाएगा, एम सी डी और आई वुड से पी. सो ये जो एंगल बनेगा दैट विल ऑल्सो बी थीटा. एंड यहां पर अगर देखा जाए सो इन दोनों को अगर हम मिला दें सो दिस विल बी टू थीटा और उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां एफ से दिस दैट विल ऑल्सो बी दिस टू थीटा. एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने जो भी रेज लिए हैं वो सारे के सारे रेज पैरेक्सियल थे. तो अगर पैरेक्सियल रेज की बात करें
तो हमने बताया था दो चीजें थी उसमें कंडीशन पैरेक्सल रेज की. फर्स्ट वन इज जो भी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होगा. क्यों? बिकॉज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होने की वजह से एंगल विद द पैरेक्सियल रेज की वजह से जो एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो भी तुम्हारा बहुत ही स्मॉल होगा. एंड दैट वॉज नियरली इक्वल टू जीरो. आई एम नॉट सेइंग जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो, सो इट विल बी वेरी लेस. एंड ड्यू टू दैट ये जो पॉइंट एम है वो शिफ्ट होके इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो यहां पर होगा, और अगर वो शिफ्ट होके वहां पर जाएगा सो पॉइंट डी जो आपको यहां पर ये जो दिख रहा है वही पॉइंट डी इट विल बी हियर. एंड डी एंड पॉइंट पी विल बी ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस. एंड दैट केस अगर वो ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस है वी कैन कंसिडर डी एंड पी इक्वल, दे आर द सेम पॉइंट, वी कैन थिंक अबाउट दैट. एंड फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड वी नो वेरी वेल दैट अगर थीटा वेरी स्मॉल होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल इन दैट केस टेन थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा, एट द सेम वे साइन थीटा विल ऑल्सो बी नियरली इक्वल टू थीटा. वाई? द रीजन इज अगर तुम थीटा इज इक्वल टू जीरो की बात करो फॉर एग्जाम्पल, सो थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए साइन क्या होगा? साइन जीरो, जीरो. सो द सेम थिंग हैपन्स विद द टेन, टेन भी क्या हो जाएगा उसका? जीरो. तो ये वैल्यू जो है वो थीटा की और नंबर की सेम आ गई वैल्यू. सो फर्स्ट वॉज डायग्राम, सेकेंड विल बी एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम और डिस्क्रिप्शन, एंड देन वी विल गो फॉर द डेरिवेशन. सो इट इज लेट अस कंसिडर अरे ए एम विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट एट द पॉइंट एम ऑफ अ कॉनकेव मिरर. यहां पर हमें पूछा गया है कॉनकेव मिरर के लिए, दैट्स वाई हमने यहां पर लिखा कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स के लिए पूछा गया होता देन वी विल राइट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. एंड एट पॉइंट एम ये जो सी एम हमारा बनेगा दैट सी एम इज परपेंडिकुलर. सो सी एम इज द नॉर्मल एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एम डी जो है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है कहाँ से? पॉइंट एम से ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्मिंग 90 डिग्री एंगल. एंगल ए एम सी एंड एंगल सी एम एफ दिस विल बी इक्वल टू थीटा अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये थीटा एंगल्स हैं सो ये भी थीटा हो जाएगा. इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 2 थीटा बन जाएगा एंड दैट इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है हमारा सेड के फॉर्म में. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल. सो इन द ट्राइंगल एम डी सी अगर हम 10 थीटा की बात करें तो 10 थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास? डी एम. रिमेंबर हमें प्रिंसिपल एक्सिस से ही मेजर करना है या फिर पोल से मेजर करना है और डिवाइडेड बाय डी सी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एंड इन द सेम वे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल एज वेल द रेड वन विच इज ट्राइंगल एम डी एफ. तो उसमें हमारा 2 थीटा बन जाएगा, इट विल बी डी एम बाई डी एफ. अब देखो यहां पर दोनों जगह पर डीएम हमारे जो है वो सेम है. पॉसिबल थिंग इज हम उसको भी कंपेयर कर सकते हैं या फिर पैरेक्सियल रेज जो है उसको भी हम यूज कर सकते हैं. सो लेट अस से दिस इज दिस बोथ ऑफ देम, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2 विच वी आर गोइंग टू यूज इट लेटर ऑन. सो पैरेक्सियल रेज के लिए थीटा हमारा कितना हो जाएगा? वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू जीरो. एंड अनदर थिंग इज डीपी, क्योंकि ये दोनों पास पास में ही है so this distance dp will also be zero and tan theta according to the trigonometry relations tan theta is nearly equal to zero tan theta is nearly equal to because theta is nearly equal to zero and tan 2 theta is nearly equal to 2 theta and another thing is ye distance hamara d se p ka bahut hi small hai so df is equal to pf is equal to f and dc is equal to pc is equal to r f is focal length and r is radius of curvature. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डी एम बाई डी एफ इज इक्वल टू 2 थीटा बन जाएगा हमारा इंस्टेड ऑफ 10 2 थीटा एंड डी एम बाई डी सी जो है वो हमारा थीटा बन जाएगा. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा डी एम बाई डी सी. अब देखो दोनों साइड पर डी एम क्या हो जाएंगे? कैंसिल. और साथ ही में डी एफ और डी सी की ऊपर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पर लिख दें तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा दैट
सो इट इज़ पी सी इज इक्वल टू 2PF, और उसकी वैल्यू अगर हम लिख दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2F, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2. सो फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इस पूरी थियोरी को कैसे हमें याद रखना है, सबसे पहला होगा डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन DD, इसमें अच्छे से फेंक सकते हैं हम लोग. देन थीटा 2 थीटा एंड जेड, जेड इज फॉर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दिस ग्रीन वन. देन पैरेक्सल रेज को लेकर टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, एंड DP का डिस्टेंस जो है उसको हम जीरो कर दिया. एंड द लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ थीटा टू गेट द आंसर एफ इज इक्वल टू आर बाई 2. एंड अलॉन्ग विद दैट इस बॉक्स को याद रखो, पूरी थियोरी याद रह जाएगी. And remember, no arrows, no marks. So now, how to form the image? So image formation of an object due to reflection. देखो एक चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट्स में से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का ले लो, उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज बाहर निकलेंगे. बट इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी ये होगी कि मिनिमम 2 रेज शुड इंटरसेक्ट ईच अदर. लेट अस से हमारे पास एक मिरर है, उसको हम कॉनकेव मिरर बना देते हैं, और उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, दैट इज बियॉन्ड सी, सी के उस साइड रखा है, और उसकी इमेज मुझे मिल रही है बिटवीन सी एंड एफ. कैसे वो आप लोग बाद में समझ जाओगे, बट द पॉइंट टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज पॉइंट ए की इमेज जो होगी वो यहाँ पर मिली. सो आई विल से इट एज A' ए की इमेज, और पॉइंट बी जो है उसकी इमेज मुझे मिली यहाँ पर. सो दिस विल बी योर B'. अब देखो जैसे पॉइंट ए, सारे पॉइंट्स को मिला दो पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा. द सेम वे यहां पर सारे पॉइंट्स को मिला दो, यू विल गेट द होल इमेज ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. ईच पॉइंट की एक एक इमेज मिलेगी वहां पर. लेकिन ये इमेज को फाइंड कैसे करें, क्योंकि यहां पर तो ऑब्जेक्ट और इमेज का पॉइंट टू पॉइंट करस्पॉन्डेंस है. तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में से रेज को बाहर निकालेंगे. जैसे मैंने कहा था कि हम ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को बाहर निकाल सकते हैं. लेट अस से एक रे ऐसे गया, अब वो पैरेलल है सो रिफ्लेक्ट बैक होके एफ से पास होगा. वी नो दिस राइट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल पॉइंट. एंड इन द सेम वे अगर मैंने एफ से पास किया तो वो ऐसे पैरेलल आ गया, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोनों ए डैश पे मिल रहे हैं. सो ए पॉइंट में से निकलने वाले रेज वो ए डैश पे मिले, सो दैट इज द इमेज ऑफ दैट. बी से निकलने वाले, एक तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ, और प्रिंसिपल एक्सिस जो है तो पॉइंट पी दैट इज पोल पे 90 डिग्री पे ही इंसिडेंट होगी. सो इन दैट केस द रे इज गोइंग टू कम बैक ऑन द सेम पाथ. तो ये इमेज फॉर्मेशन के फर्स्ट एंड सेकेंड रूल है, हम उसको लिखते हैं. सो द फर्स्ट रूल इज फॉर द रेड रे जो हमने किया, कि अगर हमने कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिया तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस वो वापस आएगा. दिस इज द केस ऑफ द कॉनकेव. लेकिन कॉन्वेक्स के केस में वो रे कुछ ऐसे चला जाएगा, नो एरोस नो मार्क्स, और उसको हमें ट्रेस बैक करना पड़ेगा, एंड दैट ट्रेसिंग बैक विल गिव अस एफ फोकल पॉइंट. एंड स्टूडेंट्स स्क्रीन पोज करके इस डिस्प्ले में जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम को भी तुम लोग ड्रॉ कर लो, बिकॉज दिस डायग्राम विल बी यूजफुल फॉर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर. और उसकी थियोरी तुम लोगों को खुद से बनानी है बाय लुकिंग एट द थियोरी ऑफ द कॉनकेव मिरर. सो रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, और इन केस ऑफ द कॉनवेक्स मिरर हम उसको चेंज करके डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. लेट अस से इन दिस केस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट AB है, कॉनकेव मिरर के सामने प्लेस किया है, और उसमें से हम एक ऐसा रे बनाएंगे जो पास होगा थ्रू सी, एंड सी में से पास होता हुआ रे जब भी एम पे आएगा, सो दिस इज गोइंग टू एक्ट एज ए नॉर्मल द सेम रे. सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू कम बैक ऑन द सेम पाथ, एंड अगेन इट विल पास थ्रू सी एंड विल गो पास द AB. जैसे कि हमें पता है कि किसी एक रे से हम पता नहीं कर सकते कि कहाँ पर इमेज हमारे को मिलेगी. सो व्हाट वी विल डू, हम या तो पैरेलल एक रे पसंद करेंगे या फिर एक एफ में से पास होता हुआ रे पसंद करेंगे. तो हमने फर्स्ट रे का जो रूल था उसको यूज किया और पैरेलल एक रे पास किया. तो पैरेलल रे और जो सी में से पास हुआ वो दोनों जहां पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिले, दिस पॉइंट इट विल बी द इमेज ऑफ ए. सो वी विल राइट इट एज A'.
और बी जो है उसके लिए तो हमारे पास पता ही है हमें कि भाई वो सीधा सीधा यहाँ से गया पॉइंट पी पोल पे और वहाँ से वापस आ गया। सो इन दैट केस ऑफ बी उसकी इमेज परपेंडिकुलरली ऐसे ही मिल जाएगी हमें। सो दिस इज ई डैश एंड दिस विल बी माई बी डैश। सो जैसे कि हमें पता चला कि अगर हम इन बोथ द केसेस, दोनों डायग्राम जो आपके सामने हैं, अगर हम बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज हमें मिलेगी बिटवीन सी एंड एफ। सो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वो हो जाएगा इस तरह से डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉल्स नॉर्मली सच दैट एंगल आई एंड एंगल आर बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। सो फॉल्स नॉर्मली ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्ट्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। एंड फोर्थ एंड द लास्ट रूल इज द रे इंसिडेंट एट एट एंगी एनी एंगल, कोई भी एंगल ले लो एट द पोल, तो वहां पर रिफ्लेक्शन के जो लो है उसके हिसाब से आई और आर दोनों सेम हो जाएंगे। सो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर जो तुम्हारा आई बना द सेम एंगल ऑफ आर विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इट विल गो विद द सेम एंगल आर ओवर हियर। एंड रिमेंबर नो एरोज नो मार्क्स। सो रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसमें दोनों सेम होगा। मिरर इज रिफ्लेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज मेकिंग सेम या फिर इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज फॉर रूल नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ फ्यू डायग्राम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस जो हमने इससे पहले किए थे दिस काइंड ऑफ, तो वैसे डायग्राम आपको रूल्स को यूज करके कुछ करने हैं होमवर्क में। सो दिस इज योर डू इट योर सेल्फ सेक्शन। मैंने कुछ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए आपको और उसका आंसर क्या मिलेगा दैट इज पोजिशन ऑफ इमेज, वो भी आपको दे दिया है। अकॉर्डिंग टू टेबल फर्स्ट बियॉन्ड सी आपको ड्रॉ करना है और उसकी इमेज आपको फाइंड आउट करनी है, वो भी बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगी। एंड द सेम वे यू हैव टू गो अप टू फोर। दिस फोर्थ वन इज द मोस्ट आईएमपी बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव नॉट डन। सो इन दिट केस डू इट योर सेल्फ एंड फाइंड द आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन एंजॉय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।